हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के पांचवे जो वर्जन था, यानी पांचवा पार्ट था, उसके कलेक्शंस के बारे में। 11 मई को ये फिल्म रिलीज हुई थी नॉर्थ अमेरिका में, और उसके बाद से उसने नॉर्थ अमेरिका में किस तरह से कलेक्शंस किया और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह से कलेक्शंस किया वो बताऊंगा। और साथ ही खुशखबरी ये है कि इसने 501 मिलियन कमा चुके हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर, यानी कि 500 मिलियन यूएस डॉलर। अब कितना क्या कलेक्शंस होता है वो करोड़ में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। इसने नॉर्थ अमेरिका में अकेले 114.6 करोड़ कमाए, यानी कि 114 करोड़ कमाए है, सॉरी 114 मिलियन डॉलर कमाए हैं, जिसका करोड़ में अगर हम देखें तो वो होता है 737 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं अगर बात करें हम उसने इंटरनेशनल मार्केट में कितना कमाया, यानी कि नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के बाकी जगह से कितना कमाया, तो वो आपको बता देता हूँ। वो कमाया 386.6 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि उसका टोटल करोड़ में आएगा 2488 करोड़, यानी कि 2488 करोड़ इसने नॉर्थ अमेरिका के बाहर से कमाए, यानी कि अदर इंटरनेशनल मार्केट से, जिसे हम ओवरसीज मार्केट भी कहते हैं। वहीं अगर हम टोटल देखें तो टोटल हो चुका है इस फिल्म का मिलियन डॉलर के हिसाब से 501.2 मिलियन डॉलर, यानी कि 500 का आंकड़ा पार कर लिया इसने। अब इसके करोड़ में अगर हम हिसाब लगाए 501 मिलियन डॉलर का, तो हिसाब होता है 3225 करोड़। जी हाँ, 3225 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिए है, यानी कि इस फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जितने भी मैंने नोटिस किया है, जो यूएसए की फिल्म होती है हॉलीवुड की, उनका ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन, यानी कि 60-70% का कलेक्शन उनकी कंट्री के बाहर से आता है। वहीं अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया की फिल्में जो रिलीज होती है इंडिया में, जैसे कि जो भी फिल्म बन रही है, तो उसका 80% इंडिया से आता है, बाकी 10-20% बाहर से आता है। तो ये फर्क है, आप देख रहे हो कि हॉलीवुड फिल्मों का ये फर्क होता है कि उनका 70-80% बाहर से कलेक्शन आता है, जबकि हमारा अंदर से ही उतना आता है, बाकी 20% बाहर से आता है, और जबकि उनका उनकी कंट्री से 20% है तो बाकी बाहर से आता है। तो ये फर्क है, और ये धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है। हमारी हिंदी फिल्म भी कमा रही है, बाकी साउथ इंडियन फिल्म भी कमा रही है, और आई थिंक बाहुबली 2 और दंगल उसका एक बहुत बेहतरीन नमूना है। तो कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर पर चलिए, तो आपको जरूर बताऊंगा आप कितने खुश हो इसके कलेक्शन से, जो है 3225 करोड़ वर्ल्ड वाइड आप जरूर बता सकते हो। हाँ, और हाँ, ये कलेक्शन है 26 दिनों तक का, नहीं 27 दिनों तक का कलेक्शन है, क्योंकि 11 मई को रिलीज हुई थी फिल्म, यानी कि थर्सडे था उस दिन। कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चली तो आपको बताऊंगा। इस तरह के वीडियोस आपको आगे भी देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।